सांबा जिले के ब्लॉक गकवाल के अंतर्गत पड़ते गांव ओर में पीने के पानी की व्यवस्था ठप हो गई है और आलम यह है कि विभाग की ओर से गांव में 4 वर्ष पहले ट्यूबवेल बनाया गया था जो अभी तक चालू नहीं किया गया है। विभाग की इस व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में खासा रोष है। पानी की समस्या से जूझ रहे इन लोगों को कई मील पैदल चलकर पीने का पानी लाना पड़ता है। स्थानीय लोगों की माने तो पानी की समस्या इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी ही ना हो तो दिनचर्या का कोई भी काम पूरा नहीं होता। घंटों इंतज़ार करने के बाद उन्हें पानी मिलता है, तब जाकर उन्हें शांति मिलती है और उनके काम पूरे होते हैं। गाँव वालों का कहना है कि गाँव में ट्यूबवेल बनवाया गया था लेकिन उसकी सप्लाई अभी तक चालू नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक पानी की पाइपलाइन ही नहीं बिछी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस ट्यूबवेल और सरकारी हैंडपंप को ठीक कराया जाए ताकि इन लोगों की पीने के पानी की समस्या तो कम से कम दूर हो सके। हम 2 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं उधर पानी लेने। उस पानी में भी ऐसे बदबू आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो हमारा हैंडपम्प जहाँ का पास का 1 साल से ख़राब है और जो खूह का पानी है वो भी गंदा है। उसमें वो चक्कियाँ वगैरह वो एक्स्ट्रा पड़े होते हैं जिससे बीमारियाँ लगने का खतरा है। 8 साल हो गया हमारा ट्यूबवेल बने हुए, अभी तक वर्किंग में नहीं आया। 2 किलोमीटर जाना पड़ता है उधर, वो पार करके रास्ता पार करके रास्ते में पानी होता है और भी रोजाना शाम को सुबह। हम मांग करना चाहेंगे कि हमारा ट्यूबवेल जल्दी से जल्दी बन जाए और हमें घर घर पानी सप्लाई मिले। 2012 की बात है तो उन्होंने ये ड्रिलिंग करवाई थी, उसके बाद यहाँ बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक बार आए थे तो ये इधर क्वार्टर बना दिया, फिर उसके बाद इन्होंने कोई साल हो गया तो ये ट्रांसफार्मर लगा गए थे, कोई पाइपें थोड़ी दबा दी हैं, बस काम ऐसे ही चल रहा है। कई बार किलो किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कुएं में भी वो बाहर का पानी पड़ जाता है। ट्यूबवेल के बारे में तो हम तो आस लगा के बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई तो है ही नहीं। दो तीन बार हम गए भी हैं, इसके बारे में हमने बात भी की है तो कहते हैं बस हो जाएगा जी, हो जाएगा बस। ये नाला बह रहा है, कई तो यहाँ पे कई बार यहाँ का पानी भी पीना पड़ता है, तो जो पानी पशु भी नहीं पी सकते हैं वो पानी हम पी रहे हैं। पीने के लिए हमें नहीं मिल रहा। ये इधर अपने ये जो है ना ट्यूबवेल बनाया था, आज 7-8 साल पहले ट्यूबवेल बनाया था, उसके बाद ये कमरा भी बना कर रख दिया, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगा दिया उधर, उधर हौद बना कर रख दिए, वो अभी तक इसको वर्क ही नहीं किया। ऐसे रखे हुए पता नहीं क्या सोच कर रखे बैठे हुए हैं ऐसे ही, कि इसे इतनी पब्लिक इधर रह रही है, पानी के लिए इतनी मुश्किल है। कभी कभी ऐसा पानी पीना पड़ता है जो कई जानवर में वो पानी नहीं पी सकते हैं। 2-1.5 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। उस पानी की हालत देखो, पंप से चला कर देखो, वो इतना इतना उसमें कीड़ा निकलता है, कोई गंदगा निकलता है, वो भी मजबूरन में हम लोग वो पानी पीना पड़ता है। हम कुओं का पानी पीते हैं, उन कुओं का भी इतना बुरा हाल होता है कि बाद मत पूछिए। इस वक्त बरसात में कई बार पानी आता है, उसके बाद ऊपर वाला पानी भी बीच में चला जाता है। हर बार इनको अप्रोच भी किया, कहीं कि इसको थोड़ा सा जल्दी इसको ट्यूबवेल को चलाया जाए, क्योंकि पब्लिक को पानी मिले। मेन चीज़ होती है पानी, सबसे जरूरी है पानी है।